अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि स्पेशल बच्चों के लिए है। हमारे जो बच्चे हैं वो खाने पीने में अक्सर माओं को बहुत तंग करते हैं और ऐसी चीज़ें हैं उनको जब तक हम ना दें बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की, वाइटामिन्स की। अगर हम ये चीज़ें ना दें उनको तो वो कैसे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक ऐसी रेसिपी दूं जो बच्चे फिश लाइक नहीं करते तो उनको आप करी बना के दें फिश की। अगर वो वैसे खाना पसंद नहीं करते तो वो, मैं उम्मीद करती हूँ कि यकीनन वो करी जो है वो पसंद करेंगे। तो आइए जिन जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे मैंने एक ये देखे विदाउट बोन फिश का मैंने पीस लिया है। जैसे कि मेरा बेटा जो है वो फिश बिल्कुल लाइक नहीं करता, अगर मैं उसको ये करी बना के दूंगी तो वो खा लेगा। ये देखिए विदाउट बोन मैंने इस तरह लिए और इसके मैं बिल्कुल छोटे छोटे से पीसीस करूंगी ताकि जब आप बनाने लगे तो बिल्कुल पता ना चले कि ये फिश है कि मीट है या चिकन है। और मसालों में मैंने बहुत लाइट मसाले लिए, ये 1 टोमेटो है, 7 मैंने ये देखे गार्लिक है, ये मेरे पास एक छोटा सा पीस जो है वो जिंजर का मैंने लिया है, और ये 1 ऑनियन मैंने लिया है, बिल्कुल स्मॉल साइज का है, बहुत बड़ा मत डालिएगा वरना आपकी फिश को ये बहुत स्वीट कर देगा। और साथ ही मैंने 1 ग्रीन चिली ली है क्योंकि अगर आप खुद अपने लिए बनाना चाहती हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत मजे का आता है। आप थोड़े मसाले जो है वो क्वांटिटी उनकी ज्यादा कर लीजिएगा। गार्निश के लिए ऑलवेज आपको पता है कि मैं कोरिएंडर ही यूज करती हूँ। ऑयल मैंने लिया है ऑलिव ऑयल, बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए, हर चीज जो है आप अपने हिसाब से दें। नॉर्मल मैं अपने बच्चों को समटाइम कुछ चीजें बटर में बना के देती हूँ, कुछ ऑलिव ऑयल में, कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के हिसाब से बनाई जाती हैं। और मसालों में जो मैं लूंगी वो है चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर लूंगी, साथ मैं सॉल्ट लूंगी और थोड़ा सा मैं क्यूमन सीड्स जो है उसका पाउडर लूंगी, साथ मैं कोरिएंडर पाउडर थोड़ा सा यूज करूंगी। जैसे जैसे मैं डालती जाऊंगी वैसे वैसे मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। सबसे पहले ये करना है कि ये टमाटर को, जिंजर और गार्लिक को हमने इसकी पेस्ट बना लेनी है, और जो ऑनियन है इसको हम बारीक बारीक सा चॉप करके ऑयल में फ्राई करें। यहाँ पे मैं एक पैन में ये देखे बारीक बारीक ऑनियन काट के तो मैंने इसमें ऑयल 3 टेबल स्पून डाला है और मैं अब इसको फ्राई करूँ। इस तरह से देखिए, अभी इसका बहुत ज्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना क्योंकि ये हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसलिए ज्यादा हमने इसके अंदर ना मसाले ऐड करने हैं। आप अगर जो बच्चे छोटे हैं आप उनको स्टार्टर से ही अगर रोजाना का 1 ग्लास दूध उनको अगर आप दिया करें, 1 से भी ज्यादा, बल्कि दिन में आप 2-3 दफा उनको दूध दें तो उनकी हड्डियों के लिए वो बहुत फायदेमंद है। फिश दिया करें, ऐसी चीजें उनको दें जो कि उनकी हड्डियां मजबूत करें, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी हो। तो बस ये देखिए, ये अब मेरी जो है वो मसाला रेडी हो रहा है तो मैं अब इसके अंदर जो है ये देखिए मैंने पेस्ट बनाई थी, लो हीट करके डालिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज जला हुआ है ऑनियन। ये इस तरह से आपने ये जो मसाला है इसके अंदर डाल दो, हीट आप बहुत लो रखिएगा। हमने इसके अंदर ज़्यादा मसाला नहीं बनाना, वो इसलिए कि फिश भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। अब हम इसके अंदर जो जो स्पाइसी ऐड करेंगे, जो जो मैं स्पाइसी इसके अंदर ऐड करूँगी वो है मेरे पास रेड चिली पाउडर है, तकरीबन 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। टर्मरिक पाउडर है 1/2 टीस्पून मैं डालूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैं इसके अंदर फुल भर के टीस्पून, ये देखिए मेरा छोटा सा है, मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। कोरिएंडर पाउडर जो है वो आप इसके अंदर 1 टीस्पून फुल भर के मत डालिएगा। और अगर आपके पास जीरा पाउडर है तो वो आप डाल दीजिएगा, इस टाइम मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही, तो इससे कोई फर्क थोड़ा सा तो पड़ेगा जायके में, लेकिन आप जरूर ट्राई कीजिएगा कि आप बना के पहले रख लें इसको। ये देखिए अब मैंने ये करना है कि इसको हमने भूनना नहीं है,
ठीक है, हमने इसके अंदर मसाला डाल दिया। तो साथ ही मैं इसके अंदर फिश जो मैंने काटी है, ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस मैंने किए हैं, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इस तरह से आप फिश डाल दें, क्योंकि ये फ्रीज हुई भी थी इस वजह से थोड़ी सी ये स्टिक हो रही है। डालने के बाद अब जो फ्रोजन फिश है उसको शुरू में हम जितना मर्जी मिक्स कर लें तो वो टूटती नहीं है, बस आपने शुरू में ही इसको मिक्स करना है। अगर आपके पास फ्रेश भी है तो वो एकदम से नहीं टूटेगी। बस अब ये मसाला हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमने इसको लो हीट पे तकरीबन 10 टू 20 मिनट्स के लिए रखना है, ताकि जो हमने इसके अंदर मसाला डाला है वो कच्चा ना रह जाए और अच्छी तरह से ये कुक हो जाए फिश के अंदर। और हमने इसको लो हीट करके तो इसको ढाम के तो हम रख देंगे। तो मैं आपको बात बताती चलूं कि सम टाइम बनाते हुए फिश जो है पानी, फ्रोजन फिश जो है वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है, तो हमने ये करना है कि इसकी हीट को एकदम से हाई कर देना है। हाई हीट से आपने इसको कुक करना है, क्योंकि फिश जो है वो 2 सेकंड के अंदर अंदर तो कुक हो जाती है। तो साथ ही ये देखें हमारा जो मसाला है ये भी होना शुरू हो गया है। तो आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, हल्के हल्के हाथों से कीजिएगा, ताकि आपकी जो फिश है वो टूटे ना। तो अब आप देख सकती हैं कि इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, फिश ने मसाला भी पकड़ लिया है। तो अब ये जो हमारी फिश है ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर मैं गार्निश करूंगी। अगर आप ग्रीन चिली नहीं डालना चाहती तो मत डालें, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है। ज़्यादा देर मत दम पे रखिएगा, अगर आप ज़्यादा देर ग्रीन चिली डाल के रखेंगी तो थोड़ी सी ये स्पाइसी हो जाएगी। तो देखिए नाज़रीन, हमारी आज की ये बच्चों की छोटी सी